नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए आज के इस सेशन में हम देख लेते हैं बिहार BPSC के लिए या बिहार BPSC टीचर्स एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण वैसे प्रश्न जो बिहार स्पेशल से संबंधित है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में जब आपसे सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। इसलिए आप पूरी तरीके से तैयार रहिए, और यही कारण है कि आज हम बिहार स्पेशल का एक बहुत बड़ा कंटेंट, जिसको प्राचीन कालीन बिहार कहते हैं, उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं। शुरू से बने रहिएगा अंत तक और एक एक क्वेश्चन देखते जाइएगा। करीब करीब हम 100 के आसपास आज प्रश्नों को रखेंगे और आज के इसी वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव प्राचीन कालीन बिहार का करा देंगे। तो पहला प्रश्न है, यदि आप प्रश्न का आंसर जानते होंगे पहले से तो आप लगातार आंसर हमें कमेंट करते चलिएगा। तो लीजिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो व्रात्य शब्द का प्रयोग कहाँ के रहने वाले लोगों के लिए किया गया है, या बिहार के लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग जो है, या मगध क्षेत्र में रहने वालों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, और वह शब्द है ऋग्वेद से लिया गया है। तो व्रात्य शब्द का प्रयोग मगध क्षेत्र के लिए किसमें किया गया है, तो हमारे ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है। बिहार क्षेत्र की चर्चा क्या जो सर्वप्रथम साहित्यिक क्षेत्र है, साहित्य लिटरेचर के मामले में, लिटरेसी एरिया में, कहां पर सबसे पहले बिहार के बारे में चर्चा मिलती है, तो इसका सही आंसर है दूसरे का डी, शतपथ ब्राह्मण में हमारे बिहार के क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बिहार में नवपाषाणकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, नवपाषाणकालीन पूछा गया है। जब कभी भी नवपाषाणकालीन पूछ दे तो याद रखिएगा उस समय आप चिरांद कह दीजिएगा। चिरांद में नवपाषाणकालीन जो है वस्तुएं मिली हुई है, और यह चिरांद हमारे सारण जो एक प्रमंडल है, या सारण डिस्ट्रिक्ट कहें तो उसमें उपस्थित है। सारण प्रमंडल भी है और सारण डिस्ट्रिक्ट भी है, उसका मुख्यालय छपरा है, आप सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और जब इससे नवपाषाण से अलग पूछते तो मुंगेर वाले क्षेत्र, भागलपुर वाले क्षेत्र करिएगा। प्रश्न आगे है कि कार्बन डेटिंग विधि से चिरांद संस्कृति को माना जाता है। सबसे पहले तो बात एक बात कंप्लीट हो जाती है कि कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसके लिए कहते हैं, तो जीवाश्मों के ईंधन या जीवाश्मों के आयु जानने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो चिरांद संस्कृति को कितना पुराना माना गया है। चौथे नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1800 से 1200 ईस्वी पूर्व जो है कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से चिरांद की संस्कृति का एज माना गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन महाजनपद बिहार में नहीं था। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पूरे संपूर्ण भारत था उसको 16 महाजनपद में विभाजित किया गया था, उसमें सबसे बड़ा मगध महाजनपद था। तो बिहार में एक ऐसा भी जनपद है जो बिहार में उपस्थित नहीं था, तो सबसे पहले तो मगध हमारे बिहार में था, अंग भी था और वज्जी संघ भी था, तीनों को आप लोग पहचानते होंगे। ये तीन जो हैं वो बिहार में उपस्थित महाजनपद हैं। अगर कोई नहीं था तो वत्स नहीं था, तो वत्स इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा गया है, गौर से देखिएगा, अगर पूछा गया तो कौन कौन, तो ये तीनों होते। छठा नंबर प्रश्न है, विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है। तो विदेह राज्य का उल्लेख जो है सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया है, राइट आंसर है यजुर्वेद में। विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले जिस ग्रंथ में किया गया है उसका नाम यजुर्वेद है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि बुद्ध के जन्म से पूर्व 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था, उसका उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। तो याद रखेंगे, भारत जो था 16 महाजनपदों में विभक्त था, इसका उल्लेख कहां पर किया गया है। सातवें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन किया गया है। अंगुत्तर निकाय में यह वर्णन किया गया है कि भारत 16 महाजनपदों में बंटा हुआ है। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है। बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं किया गया है। आठवें का डी, लखनऊ का उल्लेख नहीं किया गया है, बाकी वाराणसी, मथुरा और तक्षशिला, जहां पर बौद्ध जो प्रमुख थे गौतम बुद्ध का गहरा संबंध रहा है, लेकिन लखनऊ से इनका किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इन तीनों राजाओं का संबंध किस वंश से था, तो नौवे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्यक वंश से।
प्रश्न है कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इन सभी राजाओं का संबंध किस वंश से था? तो ये सभी के सभी हर्यक वंश हैं और इसी वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। दसवां नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? तो प्रसिद्ध चिकित्सक जो थे वो चरक किनके समकालीन थे? तो दसवें का सही आंसर बिंबिसार है। प्रसिद्ध चिकित्सक जो थे चरक किसके समकालीन थे? तो बिंबिसार थे। आप सभी जानते हैं चरक संहिता के बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? सही आंसर है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी ऑप्शन नंबर ए राजगृह थी। 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? तो सिकंदर पर आक्रमण करने वाले जो थे वह जो आक्रमण जो है घनानंद के समय हुआ था, और घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम जो व्यक्ति था उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और संपूर्ण भारत को एक कर किया था कौटिल्य की सहायता से। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? विशाखदत्त मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर है कि इनके लिए व्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मौर्य लोगों को व्रिसल, ये तो बरात जो है मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग है, देवानाम प्रिय जो है अशोक के लिए पूरा किया गया है। तो व्रिसल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? व्रिसल का। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 14वां नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस राजा ने श्रवण बिलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्याग दिया था? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने श्रवण बिलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्याग दिया था? आज का कंटेंट जो होगा थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि करीब करीब 100 क्वेश्चन लेकर चलेंगे और प्राचीनकालीन बिहार को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। तो ये व्यक्ति थे चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो श्रवण बिलगोला जो कि कर्नाटक के क्षेत्र की तरफ है चंद्रगिरी पहाड़ियों में, उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। 14 का ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिससे होंगे उससे, लेकिन बाद में वह जो है अपने इस पंक्ति को चेंज किया था और वो आजीवक संप्रदाय को धारण किया था। तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था कौन? बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। दूरधरा उनकी पत्नी थी ये चंद्रगुप्त मौर्य की, जिनके शरीर से यह व्यक्ति जन्म लिया बिंदुसार। मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया था? मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया था? बिल्कुल सही आप लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही है। अशोक ने मगध जो है कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया। लगातार आप लोग आंसर करते चलिए। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? प्रश्न आपके सामने है कि प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर था? तो यह है अजातशत्रु। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रश्न देखेंगे, अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? तो अशोक के राज साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य उपस्थित नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों के तीनों, मतलब जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये तीनों के तीनों स्थित थे, नहीं स्थित रहने वाला इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। चोल, चेर, पांडे, ये तीनों दक्षिणी सीमा पर थे, नहीं वाला तो इसमें कोई नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म से शिक्षा ग्रहण की थी? अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म से शिक्षा, ये मतलब ग्रहण किया था। 19 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपगुप्त से उन्होंने बौद्ध शिक्षा लिया था। आगे प्रश्न है 20 नंबर कि महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान जो है वह दोस्तों कुंडग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी महावीर यहाँ पर पूछा गया है। देखेंगे 20 का महावीर स्वामी पूछा गया है, इसलिए कुंडग्राम होगा, लुम्बिनी नहीं। याद रखेंगे लुम्बिनी जो था वह किनका था? लुम्बिनी गौतम बुद्ध का था। राइट आंसर होगा कुंडग्राम। 21 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? तो दोनों पशु बलि का विरोध करते थे, जाति प्रथा की मान्यता थी नहीं, आत्मा के पुनर्जन्मन विश्वास करते थे, दोनों विश्वास नहीं करते थे,
उसके बाद वेदों की दैवी रचना के रूप में स्वीकार करना नहीं, इसके जो विभाजन हुआ तो ये अलग, पशु बलि दोनों नहीं चाहते थे। जैन धर्म का जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों हैं वो पशु बलि का विरोध थे, बाकी इन तीनों में उन लोगों का अलग अलग मत था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह दोस्तों ऑप्शन नंबर 22 का बी हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में हुआ। कहाँ हुआ था आप इसका हमें कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था, दूसरा नंबर वैशाली, तीसरे नंबर पाटलिपुत्र। अभी तुरंत आप लोगों कहा भी था कि आप हमें कमेंट करके बताइए। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? याद रखें कालाशोक। 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ था? तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ जो है वह दोस्तों 25 का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, बिंबिसार। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का आरंभ किसके अधीन हुआ था? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंबिसार के अधीन मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। बिंबिसार, बिंदुसार नहीं कहा जा रहा है, ये हर्यक वंश वालों को बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप चंद्रगुप्त मौर्य छू कर दीजिए, नहीं, तो संपूर्ण भारत को उससे पहले जो कार्य शुरू किया था वो बिंबिसार ने किया था, जो हर्यक वंश का एक प्रतापी राजा था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? तो मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन जो हुआ वह दोस्तों 305 ईस्वी में हुआ था। 26 का ऑप्शन नंबर जो है, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था यह पूछा जा रहा है, तो सही आंसर है 315 ईस्वी पूर्व में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन जो है दोस्तों 315 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 27 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेघास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेघास्थनीज। इसने एक पुस्तिका लिखी थी जिसको इंडिका कहते हैं, उसमें इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में भी लिखा गया है। तो इनको भेजने वाला सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूस। इसका 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस याद रखेंगे। प्रश्न है 28 नंबर के अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वह कौटिल्य यानी कि चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। वो देखिए अर्थशास्त्र भी दो प्रकार के हैं, ये राजनीतिक से संबंधित है जो ये विष्णुगुप्त वाला है। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस उल्लेख में किया गया है? अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? 29 का ऑप्शन नंबर सी जो है शिलालेख 13 में किया गया है। 30 नंबर प्रश्न है कि मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन है? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कहता है, थोड़ा सा देखें, लगता है मुझे हम कितने नंबर क्वेश्चन पर थे, उम्मीद करते हैं 29 या 30 पर थे। फिर से हमको लौटने दीजिए, फिर हम चलते हैं वहाँ पर, ध्यान रखिए 29-30 पर हम लोग शायद थे। एक मिनट लौट जाते हैं, फिर हम लोग चलते हैं, देखेंगे 29 नंबर या 13 में था, 30 नंबर क्वेश्चंस देख रहे हैं। प्रश्न है कि मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन है? तो मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के संबंध में जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें इसका वर्णन किया गया है वह कौन सा है? आप सभी इसका सही आंकड़ा लगा चुके हैं, इंडिका, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते चलते 31 नंबर प्रश्न में, 31 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे से इसको सुमेलित कराना है, उसके बाद कूट भाषा का प्रयोग हम लोगों को करना है। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो था वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। एक का ऑप्शन नंबर 3 से मिलान करेंगे। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, उसके बाद नंद वंश का अंतिम शासक जो था वह धनानंद था, और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहदत्त था। तो याद रखेंगे मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक शासक जो था बृहदत्त था। तो मैंने मिलान करा दिया है, ऐसा देखना होगा कि इसमें आंसर कौन होगा, ए का कौन सा होगा तीसरा नंबर, बी का जो है वो पहला नंबर, ए का तीसरा और बी का दूसरा। तो ए का ये ऑप्शन नंबर कितने नंबर, 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, ए का तीसरा, देख लेंगे ए का तीसरा और बी का कौन सा पहला, इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मैंने ऊपर मिलान भी करा दिया था,
प्रश्न है, धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो जो है नालंदा, विक्रमशिला, जगदल। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापन है या स्थापना है वह धर्मपाल के द्वारा किया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं, बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है? बिहार निम्नलिखित में से तो गुरु गोविंद सिंह का है, उसके बाद गौतम महावीर स्वामी का है, आर्यभट्ट का है, लेकिन गौतम बुद्ध का लुम्बिनी नेपाल के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्धृत किया माना जाता है? तो बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्धृत किया हुआ माना गया है? 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध बिहारों के बहुलता की वजह से इसका नाम बिहार पड़ा हुआ है और यह उदंतपुरी क्षेत्र जो कि इसको तुर्कों ने जीता था। आगे बढ़ते चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, उरुवेला में। उरुवेला में गौतम बुद्ध को कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे। 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न आपके सामने है और उसको हम थोड़ा सा गौर से देखते चलेंगे। प्रश्न कहता है 36 नंबर कि राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? तो राजगिरी में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था उसमें कौन सा कार्य हुआ था? तो याद रखिएगा, राजगिरी में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ उसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुतपिटक और विनय पिटक में हुआ था। तो बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन सुतपिटक और विनय पिटक में हुआ, ये राजगिरी में प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ ये प्रथम काम किया गया था। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवरज यानी राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवरज यानी राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी, शिशुनाग ने भी ऐसा किया था, शिशुनाग ने ऐसा किया। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर पुष्यपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? तो जैन धर्म के जो 12वें तीर्थंकर पुष्यपूज्य हैं कि जन्मस्थली कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पटना में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए? तो याद रखेंगे, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है गौतम बुद्ध, जब अपना गृह त्याग उन्होंने किया 29 साल की उम्र में, उन्होंने अपने पत्नी और अपने पुत्र को जब छोड़ा तो सबसे पहले वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, 40वां नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने युद्ध शास्त्रों में शिलाकंटक व रथ मसूल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी? किस शासक ने युद्ध शास्त्रों में शिलाकंटक व रथ मसूल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अजातशत्रु ने। कर्नाट वंश का राज्य का स्थापित हुआ था? कर्नाट वंश का राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा, कहाँ हुआ था यह पूछा जा रहा है। कर्नाट वंश का राज्य स्थापित हुआ था कहाँ पर? राइट आंसर है मिथिला में कर्नाट वंश का राज्य स्थापित हुआ था। 42 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न कहता है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? तो प्रश्न है, फिर से दोहरा लेते हैं कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? 43 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, महापद्म ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय जो सर्वप्रथम किसने किया? महापद्म नंद, और यही महापद्म नंद जो है दनानंद के पिता हैं और नंद वंश के संस्थापक हैं। ये एक नाई परिवार से आते थे लोग। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो बिहार का वह कौन क्षेत्र है जहां पर अंग महाजनपद उपस्थित है? 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, सी, जो कि भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र है। तो बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में। 45 नंबर प्रश्न है कि किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यौनों अर्थात यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है? प्रश्न है कि किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यौनों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गार्गी संहिता में इसका वर्णन किया गया है। 46 में प्रश्न है कि गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? देख लेंगे कि गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? कुमार गुप्त वन, याद रखेंगे कुमार गुप्त वन के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। पूछा जाएगा किस काल में किया गया? गुप्त काल में किया गया।
नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी कि नालंदा, नालंदा का दूसरा नाम बड़ा गांव है। महाविहार का पता किसने लगाया था? तो बहुत बेहतर क्वेश्चंस है। 47 का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनिंघम, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का खोजकर्ता या उसको खननकर्ता कौन व्यक्ति है, तो उनका नाम कनिंघम है। आगे बढ़ते चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की तरफ। 48वां नंबर प्रश्न है कि विदेह के राजा जनक ने निस्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिया, यह कहां वर्णित है? विदेह के राजा जनक ने निस्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए थे, इसका वर्णन कहां पर हमारे इतिहास में नजर आता है, किस ग्रंथ में नजर आता है? 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है कि विदेह के राजा जनक ने निस्क और सुवर्ण और सतनाम उपहार में दिया था, बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 49वां प्रश्न कहता है कि अपसर गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। अपसर से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो कथा दृश्य किन कौन सा अंकित है? रामायण की कथा जो है इसके ऊपर वर्णित की गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो हर्यक वंश के बाद जो वंश आने वाली थी वह था शिशुनाग वंश। याद रखेंगे 50वें का ऑप्शन नंबर ए है कि हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। 51 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो महाभारत और पुराण के अनुसार अगर देखें तो जो मगध का सर्वप्रथम जो वंश था वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बृहदत्र जो था, अन्यथा ऐसे हर्यक वंश होता है। महाभारत को छोड़कर पुराणों को छोड़कर पूछ दे तो हर्यक वंश कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा बृहदत्र। मगध जनपद का संस्थापक था, तो मगध जनपद का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर है इसका बृहदत्र तथा जरासंध। मगध जनपद का संस्थापक जो है सर्वप्रथम किसको माना जाता है? बृहदत्र तथा जरासंधा को। आगे बढ़ते चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 53वां नंबर प्रश्न है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो कोई था तो उसका सही आंसर है बिंबिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वह बिंबिसार था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अंगराज को इन्होंने जीता था। वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध शासक था, तो वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध शासक जो था वह अजात शत्रु था। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों 56 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन था। अगला है कि किसे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। 58 नंबर प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, तो चंद्रगुप्त मौर्य जब बन गए उसके बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो उनका नाम बिंदुसार था, उन्हीं का पुत्र। 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अशोक धम देखेंगे, अशोक का धम था, अशोक का धम क्या था यानी वो किस चीज़ में ज़्यादा प्रबल विश्वास करते थे, वो किन चीज़ों को ज़्यादा ये करने की कोशिश किए? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा नैतिक आचार संहिता। अशोक के धाम का नाम है नैतिक आचार संहिता। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न इकबताना कर सकते हैं? प्रश्न है आपके सामने कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न इकबदात कर सकते हैं? इसका 60वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एरियन ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका राजप्रसाद यानी कि उसका जो क्षेत्र था वो रियल में इतना बेहतर था कि उसका मुकाबला जो है बड़े बड़े शान शौकत सूसा और इवन काता भी न कर सकें।
एरियन ने अपनी पुस्तक में लिखा। इसको 61 नंबर प्रश्न है कि गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। प्रश्न देखिएगा कि गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर है 61 का ऑप्शन नंबर डी, दशरथ ने इसका निर्माण करवाया था। 62 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षिणी प्राप्त हुई है, तो मौर्यकालीन चामर ग्रहणी की यक्षिणी मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई है। सही आंसर है दीदारगंज पटना में यह मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला है 63 नंबर क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा उसके सुंदरता का वर्णन करने वाला निम्नलिखित में से कौन है, तो सही आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया। 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है किसके शासनकाल में मिस्र के राजा ये फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने डायोनिशियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र में भेजा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा ये डिलाडेल्फस यानी कि टॉलमी द्वितीय ने डायोनिशियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र में भेजा था। 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंदुसार ने ऐसा किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाली ब्रुथस उपनाम धारण किया था। तो किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाली ब्रुथस उपनाम धारण किया था। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रेबो ने कहा था। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाली ब्रुथा यानी पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था। एस्ट्रेबो ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ही पाली ब्रुथस के नाम से जाना जाता था। 66 नंबर प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर के पीछे पढ़ेंगे। प्रश्न है कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की एक सभा संचालित करती थी जो 5-5 के सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी, यह कथन किसका है। एक बार फिर से देख लेते हैं, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों से में संगठित थी, यह कथन किस व्यक्ति का है। तो सही आंसर इसका 66 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कथन जो है मेगास्थनीज ने कहा है अपनी इंडिका नामक पुस्तक में। 67 नंबर क्वेश्चन है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था। राइट आंसर पुष्यमित्र हो जाएगा, पुष्यमित्र। 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जो कण्व वंश का संस्थापक था। कण्व वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। राइट आंसर है वसुदेव, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है आज का कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था। 69 का ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष ने ऐसा किया था। 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम इनमें से पहचानना है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है। तो सही आंसर है याद रखेंगे हसी नमो सुंग यानी कि हरवस हर्यक शिशुनाग नंद मौर्य शुंग और कण्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था। तो कलिंग नरेश जो है कहां से कीमती उपहार प्राप्त किए थे। 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंग एवं मगध क्षेत्र से कलिंग के नरेश जो है खारवेल ने कीमती उपहार प्राप्त किया था। 72 नंबर क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करीब करीब 85-86 तक हम लोग चलते हैं, उसके बाद ड्रॉप कर देंगे। प्रश्न आगे है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह जो है आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था।
आगे क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक किस क्षेत्र में हुआ था? राइट आंसर है पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर प्रश्न, कहता है किस शासक ने स्वयं को लिच्छवीय दोहित्र कहा है? निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक है जिसने स्वयं को लिच्छवीय दोहित्र के नाम से भी पुकारा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते चलते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि मगध के किस शासक को काली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा गया है? ये सारा चीज उसी के लिए कहा गया। 75 का बी ऑप्शन हो जाएगा महापद्मनंद, जो कि क्षत्रियों का नाशक माना जाता था। 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया? किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? 76 का सही आंसर है देवपाल ने करवाया था। आगे बढ़ते चलते हैं, 77 नंबर, किस शासक ने उदंतपुरी अर्थात बिहार शरीफ में बौद्ध विहार का स्थापना करवाया था? तो किस शासक ने उदंतपुरी अर्थात बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? राइट आंसर गोपाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक वीडियो में एक टॉपिक हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो आज के इस वीडियो में प्राचीन कालीन बिहार आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। एक एक करके देख जाइए शुरू से अंत तक, अगर दो भी क्वेश्चन इसमें से अगर आपके फंसे तो याद रखें आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा काम निकल जाएगा। याद रखें, प्रश्न आगे है, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों से सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? एक बार और दोहराते हैं, मगध के एक शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को, पहली तो बात है कि गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र है, उसको सुरक्षित तथा किलों से सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बन गया? इसका सही आंसर आप लोगों को बता देना है। तो प्रश्न 78 नंबर है, 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैशाली के वजियों से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? सही आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर बी, सुल्तानगंज से यह प्राप्त हुई है। प्रश्न है कि बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कहां पर था? 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नालंदा क्षेत्र में। 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न कहता है कि किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर सी, इसका वर्णन जो है फहियान ने अपनी पुस्तक में किया है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के, थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया है, छोटा है ही ये, हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया? तो हर्षवर्धन के मृत्यु के उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, तो इस तिब्बत की संप्रभुता को ख़त्म करने वाला व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर है आदित्य सेन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन होगा, चीनी यात्री इस सिंह बिहार का भ्रमण किया था, जो चीनी यात्री है इत सिंह बिहार का भ्रमण किस समय किया था? 83 का सही आंसर 673 ईस्वी पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नालंदा हो जाएगा। तो हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? नालंदा इसका सही आंसर है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो बोधगया के महाबोधि वृक्ष को कटवाने वाला या फिर क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति का नाम शशांक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के कंटेंट आपको, ज़्यादा समय तो लिया लेकिन जानकारियाँ आपको बहुत ज़्यादा आई होंगी। फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही सा, शुक्रिया, जय हिंद।